प्रकोप से बच्चे मर रहे हैं और उस संकट की घड़ी में विपक्ष की भी भूमिका होती है कि कम से कम वहां आकर के उन लोगों को ढांढस बंधाने का तो काम करें, उनके दुख दर्द को बांटने का तो काम करें, लेकिन इस समय इतना असंवेदनशील नेता प्रतिपक्ष हो जो कहां गायब हैं, किस स्थिति में किसी को नहीं मालूम हो रहा है। और अब सदन प्रारंभ हो गया है, सदन के अंदर में बगैर विपक्ष का नेता का रहना ये असंवैधानिक संकट एक तरह से है। और मैंने तो सलाह दिया था राजद के लोगों को कि अगर नेता प्रतिपक्ष अगर नहीं आ रहे हैं तो आप नए नेता का चुनाव कीजिए। और राबड़ी जी को जब पूछने पर मीडिया के लोग जानना चाहते हैं, जानने का सवाल सभी को है, पूरा बिहार जानना चाहता है, सरकार जानना चाहते हैं, मीडिया के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कहाँ हैं, अगर बीमार हैं तो बताएं कौन सी बीमारी हुई है, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, कहाँ इलाज करा रहे हैं, और अगर नहीं है तो कहाँ है, किस स्थिति में है। तो ये सबको जानकारी होना चाहिए, पूरे बिहार को जानकारी होना चाहिए, और अगर जानकारी देने में असमर्थ हैं तो नेता का चुनाव कीजिए ताकि सदन के अंदर में विपक्ष की भूमिका का नए नेतृत्व में निर्वहन सही तरीके से विपक्ष के लोग कर सके। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मीडिया वालों के घर में है तेजस्वी यादव। अब ये तो राबड़ी जी से पूछिए, राबड़ी जी को ज्यादा मालूम होगा कहाँ है। और इस तरह से मीडिया के लोग जब जानना चाहते हैं तो इस तरह से उनका जवाब देना कहीं उचित नहीं है। उनको सही बात की जानकारी मीडिया के सामने देना चाहिए था। और उनके मुंह से इस तरह का जवाब निराश करने वाला है, जवाब तो देना पड़ेगा। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी भूमिका होती है, और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी अनुपस्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब राष्ट्रीय जनता दल को जवाब देना चाहिए कि तेजस्वी कहाँ है, सदन से क्यों गायब है। वो तो नहीं कि आएगा, आ जाएगा। अरे कब आएगा? आप अगर तेजस्वी यादव सदन में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल दूसरा नेता चुने, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन सदन का नेता किसी पार्टी का जागीर नहीं है, प्रतिपक्ष का नेता, सदन का नेता, ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हमारा जो संसदीय प्रणाली है, जो संघीय ढांचा है, उसमें इसकी भूमिका होती है। तो मुझे लगता है कि एक परिवारवादी पार्टी, वंशवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को नहीं समझ पा रही है। अब आपने वंशवाद और परिवारवाद के आधार पर नेता प्रतिपक्ष बना दिया, उसके भूमिका के निर्वहन में वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। तो आपके पास अनुभवी नेता हैं, उनमें से किसी को ये दायित्व दीजिए। और अगर परिवार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है तो परिवार में भी जो विकल्प मौजूद है उसको आजमाइए। लेकिन सदन से विपक्ष के नेता गायब रहें, कोई सवाल नहीं करे, और जो सवाल करे उसके विरुद्ध आप आपत्तिजनक टिप्पणी करें, तो ये लोकतंत्र का अपमान है, मीडिया का अपमान है, और मैं समझता हूँ कि उनके हताशा, निराशा और खीज का परिणाम है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो करारी हार मिली है उसको राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं पचा पाए।